जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आजसू पार्टी ने हेमंत सरकार के वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, खनिज संपदाओं की लूट और कई मुद्दों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान आजसू नेता सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिष ने कहा कि इस राज्य में भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, वादा खिलाफी काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए आजसू पार्टी चुप नहीं बैठेगी। सभी जिला मुख्यालय में धरना के माध्यम से सरकार के खिलाफ आजसू पार्टी विरोध जता रही है। पार्टी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ, राज्य के खनिज संपदा की लूट के खिलाफ, राज्य में बढ़ते अपराध को कैसे नियंत्रण किया जाए एवं स्थानीय जनमुद्दों को लेकर के आज आजसू पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के अगुवाई में ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय के सामने किया जा रहा है। आज पार्टी यहाँ के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के महामहिम राज्यपाल को एक स्मारक पत्र सौंपेंगे ताकि ये सरकार बनाने से पहले सरकार के मुखिया चुनावी प्रचार सभा में, चुनावी घोषणा पत्र में राज्य के जनता को जिन जिन वादों के साथ जो जनसमर्थन लिया है और आज जनता को भूल गए हैं, उनके विकास का केंद्र बिंदु में जनता नहीं है, उनका मूल एजेंडा में जन सुरक्षा नहीं है। मैं इसलिए कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ फेल है, राज्य में डीएसपी दारोगा सुरक्षित नहीं है, तो जो सुरक्षा देने वाले ही सुरक्षित नहीं है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर कितना संवेदनशील है। इसलिए हम लोग सरकार को इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिन वादों के साथ आप इस राज्य में सत्ता चला रहे हैं, जनता को अनदेखी ना करें, जनता के प्रति संवेदनशीलता के साथ काम करें, खनिज संपदा को लूटना बंद करें, लुटेरों को संरक्षण देना बंद करें। ये देखा जा रहा है कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है, सरकार दिशा विहीन हो गए हैं, सरकार लक्ष्य विहीन है, इसलिए उनके आला अधिकारी स्थिति बदतर से बदतर है। तो जो कुछ दिन पहले अखबार में आया था कि यहाँ के गरीब लोग जो सरकारी ज़मीन पर बैठे हैं, आज नहीं 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से बसे हुए हैं, उनके पास वोटर आईडी है, उनके पास